हेलो एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आप सभी का। कैसे हो? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे गाइस। तो चेक करते हैं अभी आपके पर्सन के अभी इस वक्त की फीलिंग्स क्या है, उनकी करेंट फीलिंग्स क्या है। मेन कार्ड आया है पहला एस ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सेजिटेरियस हो सकते हैं या तो जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस हो सकते हैं। ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट मानते हैं, इंट्यूटिव मानते हैं। ये पर्सन ऐसा सोचते हैं आपके बारे में कि आपसे कुछ छिपाना ना आसान नहीं है। वैसे तो मुझे नहीं लग रहा है कि इस पर्सन ने कुछ छिपाया है, पर आप इनके मन की बात जान लेते हो। इनके मन में क्या चल रहा है, इनके थॉट्स क्या है आपके लिए, आपके कनेक्शन के बारे में ये पर्सन क्या सोच रहे हैं। आपने इनको देखते ही पहचान जाते हो कि इस पर्सन का इंटेंशन क्या है, इनकी एनर्जी क्या है, ये पर्सन किस मूड में है, किस एनर्जी में है। आप काफ़ी ज़्यादा इंटेलिजेंट हो, ये डेफिनेटली आप हो। और एस ऑफ वॉन्ड्स आया है तो एक नई शुरुआत दिखा रहा है मुझे यहाँ पर। पैशनेट एनर्जी है, फायर एनर्जी है। ये एरिस, लियो, सेजिटेरियस हो सकते हैं, क्वीन ऑफ स्वर्ड्स, जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस हो सकते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि इस पर्सन ने ना बहुत दिनों से एनालाइज कर रहे हैं, सोच रहे हैं, विचार रहे हैं, और इनकी खुशी किस में है, किसके साथ है, ये पर्सन किसके साथ खुश रह सकते हैं, इनका फ्यूचर बेहतर किसके साथ है, इस बारे में काफ़ी ज़्यादा सोच रहे हैं। और मुझे नहीं लग रहा है कि इस पर्सन ने आपको ऑप्शन की तरह लिया है। राइट नाउ तो अभी नहीं दिखाई दे रहा है। ओके, ये पर्सन ना, इनके एनर्जी ऐसा है कि ये एक नई शुरुआत आपके साथ चाहते हैं, पर इस पर्सन को पता है कि इन्होंने बहुत देर कर दी है। और आपके पास आते हैं तो इनको बहुत खुश होना पड़ेगा। आप इनको आसानी से माफ करने वाले में से नहीं हो, आप पूछताछ करोगे काफी ज्यादा, इनके लिए आसान नहीं होगा। ओके, तो ये पर्सन ना आपके सामने आने से, आपको फेस करने से, आपके क्वेश्चन का आंसर देने से थोड़ा सा सोच रहे हैं कि इनके लिए आसान नहीं होगा। ओके, आपकी क्वेश्चन का आंसर देना और आपको अपने बातों में लाना, आपको कन्विंस करना। ये पर्सन एक नई शुरुआत चाहते हैं, पर इनको डेफिनेटली पता है कि अगर ये आप कन्वेंस कर पाते हैं, आपको खुद को सही प्रूफ कर पाते हैं, तभी आप इस पर्सन को अपने लाइफ में अलाउ करोगे, अदरवाइज नहीं। और मुझे ऐसा लग रहा है कि आएंगे तो एक नई शुरुआत के साथ आएंगे और कमिटमेंट के साथ आएंगे, क्योंकि मुझे यहाँ पर इम्प्रेस दिखाई दे रहे हैं। कमिटमेंट के साथ आएंगे, ऐसे आएंगे जो कभी बिछड़ेंगे नहीं। यूनियन, रिकन्सिलेशन, मैरिज, कमिटमेंट, ग्रोथ, कनेक्शन में डेफिनेटली आपके पर्सन ग्रोथ चाहते हैं बहुत ज़्यादा। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन डेफिनेटली आपके साथ मीटिंग चाहते हैं, रोमांटिक काफ़ी ज़्यादा हो रहे हैं, इनको मिलना है आपसे और रोमांटिक टाइम स्पेंड करना चाहते हैं आपके साथ। और मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर इस पर्सन ने आपको जगल किया है किसी और के साथ, सिचुएशन के साथ, तो रिग्रेट हो रहा है कि क्यों इस पर्सन ने ऐसा किया, या क्यों इनको चूज करने में, डिसीजन लेने में गलती हो गई। इस पर्सन को आप चाहिए, ये पर्सन बैलेंस भी नहीं बना पा रहे थोड़ा सा। इनको ऐसा लगता है कि आप इनसे नाराज हो और अब आपके पास चॉइसेस है। डेफिनेटली आपके पास चॉइसेस है, आप बेटर डिजर्व करते हो और इनसे भी बेटर पर्सन आपको मिल सकता है, आप डिजर्विंग हो। आप कमिटमेंट डिजर्व करते हो, मैरिज डिजर्व करते हो। और गाइस, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन ने जो प्लान्स बनाया था आपके फ्यूचर के लिए, जो इन्होंने ऑलरेडी प्लान्स बनाया था ना, उसको पूरा ना कर पाने का रिग्रेट है, पछतावा है। फैमिली नहीं मान रही ऐसा हो सकता है, या फैमिली से बात करने में डर रहे हैं, झिझक रहे हैं। आपके फैमिली से, अपने फैमिली से बात करने की कोशिश कर रहे हैं, या तो इस पर्सन ने ऑलरेडी किया है, या तो करने जाने जा रहे हैं, करने वाले हैं। ओके, बनाने की कोशिश करने वाले हैं,
या तो फैमिली की ही वजह से आप दोनों आज नो कांटेक्ट जोन में हो, पर इस पर्सन को नींद नहीं आ रही है। ठीक है, पहले क्या हो जाता था कि हो सकता है कि आप दोनों काफी ज्यादा बातें किया करते थे, बिना बात किए ये रह नहीं पाते आपसे, और आज दिन ऐसा आ गया है कि आपसे बातचीत नहीं हो रही है, और ये पर्सन आपसे सारा कुछ सब कुछ शेयर करते थे, और अब शेयर करने के लिए कोई नहीं है। फैमिली बनाना चाहते हैं आपके साथ, शादी करना चाहते हैं, कमिटमेंट देना चाहते हैं, आपको चूज करना चाहते हैं। इस पर्सन ने ये आपको बताना चाहते हैं ना कि ये आपसे रियल में ट्रू लव करते हैं, आपको अपना सोलमेट मानते हैं, आपको अपने लाइफ का अपना आधा हिस्सा मानते हैं, और इन्होंने हमेशा आपके साथ ही फ्यूचर देखा है, आपको अपने लाइफ पार्टनर के रूप में देखा है। ये बिल्कुल भी ये फ्लर्टी नेचर के हो सकते हैं, पर लॉयल हैं आपके लिए। गाइस, ये भी हो सकता है कि अगर इन्होंने आपका दिल तोड़ा है, कुछ झूठ बोला है या चेट किया है, किसी भी तरह से अगर इस पर्सन ने आपका दिल तोड़ा है, आपको हर्ट पहुंचाया है, रिग्रेट बहुत ज़्यादा हो रही है राइट नाउ, इनका दिल टूटा हुआ है, ये पर्सन डिसअपॉइंट है अपने लाइफ से, जहाँ पर भी ये हैं ये पर्सन डिसअपॉइंट हैं, होपलेस हैं। ये पर्सन ना फियर मुझे दिखाई दे रहा है, इनमें इनसिक्योरिटी दिखाई दे रही है कि कहीं आपको कोई बेहतर पर्सन, इनसे बेहतर पर्सन चुरा ना ले जाए, कहीं आपकी शादी किसी और के साथ ना हो जाए, क्योंकि जिस तरह से ये डिले कर रहे हैं, देरी कर रहे हैं, वैसे वैसे इस पर्सन को आपको खोने का डर बहुत ज्यादा सता रहा है। इनके नर्स ही क्या पता, इन्होंने आपसे फाइट, आई एम सॉरी गाइस, इस पर्सन ने आपसे फाइट तो कर लिया, या किसी रीजन से, किसी वजह से आप दोनों के बीच फाइट तो हो गई है, पर अभी इस वक्त आपको खोने का डर बहुत ज्यादा सता रहा है इनको। इनको लग रहा है कि कहीं मैंने उसको खो तो नहीं दिया ना, अगर बहुत दिन हो गया आप दोनों के बीच बातचीत नहीं हुई है, 1 month हो गया, 6 month हो गया, या 6 weeks, 2 months हो गया, जितना भी दिन हुआ, या 9 months, इससे ज्यादा भी हो सकता है। ठीक है, तो ये पर्सन सोच रहे हैं कि इतना दिन हो गया बातचीत नहीं हुई है, ना उसने मुझे कांटेक्ट किया ना मैंने, पहले तो ऐसा नहीं होता था, तो क्यों उसने मुझे कांटेक्ट करना छोड़ दिया, वजह क्या है, क्या वो अपने लाइफ में आगे बढ़ गई है या बढ़ गए हैं, कहीं उसकी लाइफ में कोई और तो नहीं है, कहीं उसने मूव ऑन तो नहीं कर लिया, कहीं मैंने उसको खो तो नहीं दिया है। आपको ना सबसे बेस्ट मानते हैं, ट्रू लव मानते हैं, सोलमेट कनेक्शन फील करते हैं, तो आपको खोना तो बिल्कुल नहीं चाहते, ये पर्सन बिल्कुल नहीं खोना चाहते हैं, आपके साथ ही ये फ्यूचर देखते हैं। गाइस, अब इनका नेक्स्ट एक्शन देखते हैं, ठीक है, क्या होगा इनका अगला कदम आपके लिए, क्या ये पर्सन आपके लिए कोई एक्शन लेने वाले हैं, क्या होगा इनका नेक्स्ट एक्शन, कैसे रोते रहेंगे, परेशान होते रहेंगे। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, बहुत जल्द आपको एक्शन देखने को मिलेगा, और बैलेंस बनाने की पूरी कोशिश करेंगे, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाएंगे ये पर्सन, ये अपनी जिम्मेदारियों को समझेंगे, समझेंगे कि वाह, एम्परर एंड एम्प्रेस, क्या कहूँ मैं, बैलेंस होने वाला है आपका कनेक्शन, मैरिज होने जा रहा है आपका। गाइस, डेफिनेटली अगर आप मैरिज को मैनिफेस्ट कर रहे हो, अगर आप इस कनेक्शन को मैनिफेस्ट कर रहे हो, और ये पर्सन अगर आपके ट्रू लव है, डेफिनेटली आपका यूनियन होने जा रहा है, मैं क्या कहूँ, एम्प्रेस एंड एम्परर, और वहाँ पर लवर्स आया है, तो बिल्कुल यूनियन होने जा रहा है आपके ट्रू लव के साथ, क्योंकि आप मैनिफेस्ट कर रहे हो और ये पर्सन भी मैनिफेस्ट कर रहे हैं, तो बैलेंस तो होने वाला है, आप जो चाहते हो वो आपको मिलने वाला है, ये पर्सन आपको कमिटमेंट देंगे, बैलेंस बनाने की कोशिश करेंगे, या फैमिली में ना बातचीत करेंगे ये पर्सन, मुझे ऐसा लग रहा है ये पर्सन बहुत सारे लोगों के लिए ऑलरेडी आपके फैमिली को या इनके फैमिली को आपके आपके बारे में, आपके कनेक्शन के बारे में पता है, और नहीं पता है तो बताने वाले हैं ये, बातचीत करने वाले हैं ये, ओके, उनकी इजाजत चाहते हैं आपकी शादी के लिए, तो बातचीत करने वाले हैं ये पर्सन। वाह, ब्यूटिफुल एनर्जी, तो ये है आपकी रीडिंग, कैसी लगी मुझे जरूर बताइएगा कमेंट्स बॉक्स में। पर्सनल रीडिंग बुक करना चाहो तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, डिटेल्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी मेंशन है। तो
तो बाय गाइस, अपना अच्छे से ख्याल रखिए और होपफुल रहिए, पॉजिटिव रहिए, आपको भरोसा होना चाहिए। ओके, ऐसा नहीं होना चाहिए कि कब होगा यार, कब होगा यार। इस एनर्जी में रहोगे ना तो डिले होगी। ओके, मैनिफेस्ट अगर आप कर रहे हैं तो सही तरीके से। और कब होगा कब होगा, इस एनर्जी में मत रहें, आपको भरोसा होना चाहिए वो होगा, आज नहीं तो कल होगा। अगर आपको भरोसा है तो वो चीज होगा, आपका भरोसा अटूट होना चाहिए। ये नहीं कि आपने किसी रीडिंग में देख लिया, या कभी आपको लो फील हो रहा है, या कभी आप होपफुल रहते हो अपने कनेक्शन को लेकर, कभी आप लो फील करते हो, कभी आप उम्मीद आपको होती है, कभी आप ना उम्मीद हो जाते हो, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ओके, होपफुल रहिए, पॉजिटिव रहिए और हैप्पी रहिए। सबसे इम्पोर्टेंट बात, आपको खुद को खुश रखना है। जितना आप खुद को खुश रखोगे, खुद को लव दोगे, खुद का केयर करोगे, खुद का रिस्पेक्ट करोगे, उतना ही आप लव को अट्रैक्ट करोगे, ये पॉजिटिविटी को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करोगे। तो अगर इस एनर्जी में हो, आप रो रहे हो, परेशान हो रहे हो, तो इस एनर्जी से बाहर निकल कर सेल्फ लव कीजिए, अपनी लाइफ का एक नई शुरुआत कीजिए, उनको वैल्यू दीजिए जो आपसे प्यार करते हैं, आपसे लव करते हैं, आपके फैमिली, ट्रू फ्रेंड्स। ओके, खुद को प्यार दीजिए। तो ये है आपकी रीडिंग, लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। बाय गाइस, लव यू।